I don't know, I'm just obsessed with this pink color nowadays. Oh my god, I am just love with this top. मुझे मतलब लगता है मैं बच्ची हो गई फिर इसे पहन के, बच्ची टाइप फीलिंग आती है. Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Rishika and I told in my last video, braces video I guess, I'll make video on Ajio haul. So I am back with the Ajio haul. So let's check it. So in this haul, I'm gonna sew all my summer collection. So here is my first top, जो कि crop top है pink color में. I don't know, I'm just obsessed with this pink color nowadays. आप लोग देखो कितना प्यारा color है, बहुत ही प्यारा color है ये. It have so cute, you know, this ribbon. I just love this one. Go for this top. This top is very awesome. सेकेंड इज दिस टी शर्ट. सो दिस टी शर्ट इज़ फ्रॉम फिग ब्रांड. ये भी काफ़ी प्यारा टी शर्ट है यार, ये बहुत अफोर्डेबल था. प्राइस में मेंशन कर रही हूँ तो इसमें मेरा साइज स्मॉल था जो कि बहुत अच्छे से मेरे को हो गया. देन माई नेक्स्ट परचेज इज दिस टी शर्ट. दिस टी शर्ट इज़ ऑफ रेड कलर और ये DNMX ब्रांड का है. बहुत काफ़ी प्यारा कैजुअल सा लुक देता है, काफ़ी प्यारा है. आई मस्ट से क्वालिटी इज़ गुड इतने कम प्राइस में. सो हियर इज़ माई नेक्स्ट टी शर्ट. सो ये ब्लैक कलर का है. पहले मैं ब्लैक कलर से बहुत ऑब्सेस थी, हमेशा ब्लैक कपड़े ही लेती थी. तो ये DNMX ब्रांड है और ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है एंड इट फिट्स मी परफेक्टली. सो ये बहुत ही क्लासी लुक देता है, आप लोग बाकी ट्राई ऑन में देख ही सकते हो. मैं इसे बहुत पहनी हुई यार, 1 ईयर हो गया इससे. अगेन आई गॉट दिस पिंक टॉप. सो ये तो टॉप है, काफ़ी प्यारा टॉप है ये. मतलब सिंपल सा है, फिग ब्रांड का है. इसमें मैंने स्मॉल साइज परचेज करा है तो आप लोग देखो काफ़ी प्यारा है यार. आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस कलर, इट सूट्स मी ऑल्सो. नेक्स्ट इज दिस प्रिटी स्टॉल. ये ग्रीन कलर का है, मुझे काफ़ी प्यारा लगा. इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, काफ़ी प्यारा है. यू कैन स्टाइल इट लाइक दिस. काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है. बाकी आपको अगर अपना मुंह बांधना है जैसे समर्स में लड़कियां करती हैं तो यू कैन गो फॉर इट. ये काफ़ी अच्छा खासा लेंथ है इसका. सो माई नेक्स्ट परचेज इज दिस ब्लैक टॉप. ओ माई गॉड, आई एम जस्ट लव विद दिस टॉप. अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में. मैं इसे मतलब 1 ईयर हो गया है मेरा इसे लिए हुए और मैं इसे बहुत इतना पहनी हूँ बट इसका कुछ भी नहीं हुआ. और उस टाइम पे मैंने आई गेस 180 के अराउंड में ये टॉप लिया था. अभी थोड़ा प्राइस हाई है. सो हियर इज़ माई नेक्स्ट टी शर्ट. आई एम इन जस्ट लव विद दिस टी शर्ट ऑल्सो. दिस इज़ यूनिक क्वेस्ट और मैं कहीं भी कैजुअली जाती हूँ तो ये पहनना पसंद करती हूँ. सो आप लोग देखो. नेक्स्ट इज दिस ग्रीन पैंट. तो फोटो में मैंने कुछ डिफरेंट कलर देखा था बट दिस कलर इज़ डिफरेंट बट आई लाइक डेट. मैंने लिया था, मुझे काफ़ी पसंद है यार, काफ़ी पसंद है. सी इट उफ. एंड ये जो इसके जो बटन्स हैं ये ओपन होते हैं. आप इसे अगर ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो, लगाना है तो लगा सकते हो. सीट्स लाइक दिस, तो आपको जैसे मन वैसे पहन सकते हो इस क्यूलॉट्स को. एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि इसका कपड़ा काफ़ी पतला है, इतना बॉटम वियर का पतला कपड़ा नहीं होना चाहिए. सो ये भी मैंने स्मॉल साइज में लिया था, इट फिट्स मी परफेक्टली. बस नेक्स्ट इज दिस ब्लैक क्यूलॉट्स. तो ये भी काफ़ी प्यारा है, इसके भी काफ़ी दो साइड से रिबन है.
बहुत प्यारा पोलका डॉट है क्यूलॉट्स, काफ़ी अच्छा है। ये मुझे बहुत ही प्यारा फील होता है ये पहन के, मुझे लगता है मैं बच्ची टैसी लग रही हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये रियो ब्रांड का है, स्मॉल साइज में मैंने लिया है, मेरे को परफेक्टली फिट हो जाता है। द लास्ट वन इज दिस ट्रेगिंग्स, तो आई एम इन लव विद दिस ट्रेगिंग्स, इट इज सो कम्फी, आई कांट टेल यू गाइज। मेरी दो दो फ्रेंड के पास ये ट्रेगिंग्स है, वेरी नाइस फिटिंग है, काफ़ी प्यारा है, और आई थिंक मैं इसे 8 months से पहन रही हूँ एंड कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कलर आप देख सकते हो वैसा का वैसा ही है। और ये मैंने लिया है स्मॉल साइज में, रियो ब्रांड का। So this is all for today. If you liked any one of the dresses, you can check it out. Link is in the description box. If you liked my effort, please like, share and subscribe my channel. Till then, stay tuned and bye. See you in my next vlog. So here is my I am in the love. If you like my channel,